अर्थशास्त्र और सामाजिक अध्ययन की प्रस्तुति अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल का जन्म 26 जुलाई 1842 को हुआ। लंदन के एक मजदूर वर्गीय इलाके में पैदा हुए अल्फ्रेड मार्शल के पिता बैंक ऑफ इंग्लैंड में क्लर्क थे। साधारण परिवार के होने के बावजूद उनके पिता ने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाई। वे चाहते थे कि मार्शल साहित्य का अध्ययन करें, परंतु उनकी रुचि गणित में थी। अपने चाचा के आर्थिक मदद से मार्शल ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित, दर्शन शास्त्र और राजनीतिक अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। दर्शन की सभी क्लासिकी रचनाएं पढ़ने के बावजूद उन्होंने अर्थशास्त्र में महारत हासिल करने का फैसला किया। कहा जाता है कि गरीब बस्तियों की बुरी हालत देखकर उन्हें लगा कि अर्थशास्त्री बनकर वे गरीबी की समस्या पर बेहतर विचार कर पाएंगे। वे अपने समय के सबसे प्रभावशाली अर्थशास्त्री थे। उनकी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स अनेकों वर्षों तक इंग्लैंड में अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक के रूप में पढ़ाई जाती रही। इसमें मांग और आपूर्ति, मार्जिनल यूटिलिटी तथा उत्पादन लागत को व्यवस्थित रूप दिया। मार्शल की गणना अर्थशास्त्र के प्रमुख संस्थापकों में की जाती है। अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र बौद्धिक अनुशासन के रूप में स्थापित करने का श्रेय अल्फ्रेड मार्शल को जाता है। 1885 से पहले अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में दर्शन शास्त्र और इतिहास के पाठ्यक्रम का अंग हुआ करता था। इतिहासकार और दार्शनिक अपनी डिग्री लेने की मजबूरी में अध्ययन करते थे। मार्शल ने इसे न केवल एक स्वतंत्र संस्थागत आधार दिया, बल्कि इसके वैज्ञानिक मानकों को भौतिकी और जीव वैज्ञानिक स्तरों तक उठा दिया। 1903 में मार्शल की कोशिशों को उस समय कामयाबी मिली जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के अलग अध्ययन और डिग्री की शुरुआत हुई। जल्दी ही विश्व भर के अन्य अकादमिक संस्थानों ने अर्थशास्त्र को एक पृथक अनुशासन के रूप में स्वीकार कर लिया। अर्थशास्त्र में बहुत से नए विचारों को स्थापित करने और संस्थागत रूप से इस अनुशासन को एक नए धरातल पर ले जाने की उपलब्धि के लिए अल्फ्रेड मार्शल का नाम समाज विज्ञान के इतिहास में शीर्ष स्थान का अधिकारी है। मार्शल ने आर्थिक धारणाओं को सहज ग्राफों में अनुदित करके डायग्रामेटिक इकोनॉमिक्स का सूत्रपात किया। मार्शल की खूबी यह थी कि उन्होंने अपनी धारणाओं की इन ग्राफीय अभिव्यक्तियों को आर्थिक विश्लेषण का अंग बनाने में सफलता हासिल की। उन्होंने आर्थिक विज्ञान को व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया ताकि उसकी मदद से सरकारी अधिकारी, राजनेता और व्यापारी अहम फैसले ले सकें। 1890 में प्रकाशित अपनी विख्यात रचना प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अल्फ्रेड मार्शल ने मांग और आपूर्ति का विस्तृत विश्लेषण करके नियोक्लासिकल पद्धति का ढांचा तैयार किया। इस लिहाज से उन्हें नियोक्लासिकल अर्थशास्त्र के संस्थापक की संज्ञा भी दी जा सकती है। मार्शल ने बाजारों के एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभाव को नजरअंदाज करते हुए उनका अलग अलग अध्ययन किया और पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस आंशिक संतुलन अवस्था का प्रतिपादन किया। उन्होंने दिखाया कि जब दाम बढ़ते हैं तो फर्में बाजार में और ज्यादा जिंसों को लाती हैं। उन्होंने इसे आपूर्ति का नियम की संज्ञा दी। जब कीमतें गिरती हैं तो उपभोक्ता बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदते हैं। यह मार्शल की निगाह में मांग का नियम था। मांग और आपूर्ति की यह कैंची न केवल अपनी कतर व्योंत के जरिए प्रत्येक वस्तु का दाम तय करती है, बल्कि उसकी उत्पादित होने वाली मात्रा भी इसी के जरिए निर्धारित होती है। जेवंस के मांग चालित रवैये और रिकॉर्डो के आपूर्ति चालित रवैये के विपरीत मार्शल ने जोर दिया कि मांग और आपूर्ति दोनों मिलकर कीमतों और उत्पादन का निर्धारण करते हैं। वे मानते थे कि बाजार की प्रतियोगिता वास्तविक कीमतों को संतुलनावस्था की तरफ ले जाएगी। अगर दाम संतुलनावस्था से ऊपर होंगे तो उत्पादक अपना माल नहीं बेच पाएगा और चीजें उसके गोदाम में जमा होने लगेंगी। तब उसे संदेश मिलेगा कि उसे दाम गिराने ही हैं। अगर कीमतें संतुलनावस्था से नीचे रखी गई तो चीजें इतनी ज्यादा बिकेंगी कि गोदाम खाली हो जाएंगे और कमी पड़ जाएगी। व्यापारी इसे दाम बढ़ाने के संदेश के रूप में ग्रहण करेंगे। मार्शल ने माना कि मांग और आपूर्ति की यह कैंची एक पेचीदा स्थापना है, इसलिए उन्होंने इसके दोनों फलकों का अलग अलग विश्लेषण भी किया। उन्होंने देखा कि मांग किसी खास वस्तु की उपयोगिता और उसके उपभोग से मिलने वाले संतोष से तय होती है। उपभोक्ता लगातार सर्वाधिक उपयोगिता की खोज में रहता है।
अगर किसी जिन्स के दाम ऊंचे होंगे तो वह उपयोगिता की तलाश में दूसरी जिन्सों की तरफ चला जाएगा। उन्होंने मांग में होने वाले परिवर्तनों को उपभोक्ताओं द्वारा एक सी कीमत पर किसी एक वस्तु के ज्यादा या कम खरीदे जाने के रूप में परिभाषित किया। डिमांड कर्व अगर बदलता है तो उसका कारण कई अन्य परिवर्तनों में तलाशा जा सकता है, समृद्धि के स्तर में बदलाव, आबादी में परिवर्तन, लोगों की अभिरुचियों में तब्दीली, अन्य वस्तुओं के दामों में उतार चढ़ाव या भविष्य की कीमतों के बारे में बदली हुई प्रत्याशाएं। इस लिहाज से ज्यादा समृद्धि और बढ़ी हुई आबादी मांग बढ़ाएगी और कीमतें ऊपर जाएंगी। भविष्य में दाम बढ़ने का अंदेशा भी मांग बढ़ा सकता है। दूसरी चीजों के दाम बढ़ने से किसी चीज की मांग पर पड़ने वाले असर की व्याख्या मार्शल ने पूरक वस्तुओं की धारणा का इस्तेमाल करके की। मसलन अगर गैसोलीन के दाम बढ़ते हैं तो उससे जुड़ी हुई चीजों की मांग भी गिर जाएगी। मार्शल ने दिखाया कि किस तरह आपूर्ति उत्पादन की लागत पर निर्भर करती है। उपभोक्ता अगर उपयोगिता और संतोष की तलाश में है तो उत्पादक मुनाफे को अधिकतम करने के फेर में रहता है। यदि पैमाने के घटते हुए प्रतिफल का नियम लागू किया जाए और कल पुर्जों और श्रम की कीमतें बढ़ रही हों तो उत्पादन की लागत भी बढ़ती है। जाहिर है कि अगर व्यापारियों को बेहतर दाम नहीं मिलेंगे तो वे अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए तैयार नहीं होंगे। दूसरे उत्पादन कितना भी ज्यादा हो रहा हो, अगर मजदूरी ऐसी स्थिति में उत्पादकों को कीमतें भी बढ़ानी पड़ेंगी। लेकिन अगर प्रौद्योगिकी बेहतर हो जाती है और प्रति इकाई श्रम कम खर्च करना पड़ता है तो आपूर्ति भी बढ़ेगी और दाम भी कम होंगे। अधिकतर आर्थिक संबंध कार्य कारण से बंधे होते हैं। मार्शल ने इस सिलसिले में इलास्टिसिटी या लोच की धारणा विकसित की। अगर किसी कारण या घटना का प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है तो वह संबंध इलास्टिक लोचनीय माना जाएगा और अगर कम पड़ता है तो इनइलास्टिक अलोचनीय। मार्शल ने लोचनीयता नापने का एक गणितीय फार्मूला भी पेश किया। उनका मानना था कि अगर किसी वस्तु का विकल्प नहीं है और उपभोक्ता उसकी जगह किसी दूसरी का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो वह वस्तु कीमतों के लिहाज से इनइलास्टिक रहेगी। दाम बढ़ने पर भी उसकी बिक्री कम नहीं होगी। मार्शल ने यह भी दिखाया कि मांग की इलास्टिसिटी किस तरह दामों पर निर्भर करती है। नमक के पैकेट की कीमत काफी कम होती है, इसलिए अगर उसके दामों में बड़ा परिवर्तन हो जाए तो भी नमक उपभोक्ताओं को नमक के दाम इतने ज्यादा नहीं लगेंगे कि उसकी मांग पर असर पड़े। लेकिन अगर कार के दामों में या कॉलेज की फीस में वृद्धि हो जाए तो उपभोक्ताओं को दिक्कत होने लगेगी। मार्शल ने मांग की इलास्टिसिटी तय करने में समय की भूमिका पर भी ध्यान दिया। जो मांग आज इलास्टिक नहीं है, यानी दाम बढ़ने पर भी कम नहीं हो रही है, वह कल इलास्टिक हो सकती है। जैसे पेट्रोल महंगा होने पर भी कारें कम बिकनी शुरू नहीं हुई, पर आगे चल कम ईंधन में अधिक चलने वाली कारें बनी, लोगों ने कार पूल करनी शुरू की, इससे पेट्रोल की मांग पर फर्क पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि अर्थशास्त्र को नीतिशास्त्र और इतिहास से अलग करने वाले इस विद्वान को आय के वितरण और गरीबी की समस्या में काफी रुचि थी। उन्होंने श्रम बाजार का भी अध्ययन किया, जिसमें व्यापारी उपभोक्ता होता है, मांग करता है और समाज व परिवार आपूर्ति करता है। मार्शल ने देखा कि अगर मजदूरी बढ़ जाए तो अकुशल मजदूरों की सप्लाई बढ़ जाती है, पर प्रौद्योगिकी बेहतर होने से अकुशल श्रम की मांग लगातार गिरती है। इससे अकुशल मजदूर कम तनख्वाह प्राप्त होने के कारण गरीबी में रहने के लिए अभिशप्त हैं। खास बात यह है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बावजूद मार्शल ने न तो न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की सिफारिश की और न ही गरीबी कम करने के लिए कोई सुझाव दिया। उन्होंने केवल इतना सुझाव दिया कि अकुशल मजदूरों को अपने परिवार का आकार सीमित रखना चाहिए। मार्शल का ज्यादातर योगदान माइक्रोइकोनॉमिक व्यष्टिगत किस्म का है, पर उन्होंने कुछ मैक्रोइकोनॉमिक समष्टिगत योगदान भी किया है। क्रय शक्ति समता एक ऐसा ही सिद्धांत है जिसके तहत दो देशों के बीच मुद्रा की विनिमय दर बाजार के धरातल पर तय होती है। मसलन अगर एक बर्गर अमेरिका में $1 में बिकता है और जापान में 100 येन में, तो बाजार में $1 और 100 येन की क्रय शक्ति बराबर हुई, भले ही मुद्रा बाजार में $1.10 के बराबर माना जाता रहे। मार्शल द्वारा किए गए बाजारों के अध्ययन की पहली आलोचना तो यह की जाती है कि उन्होंने एक बाजार के एक दूसरे पर पड़ने वाले असर को नजरअंदाज किया, इसलिए वे केवल आंशिक संतुलनावस्था के सिद्धांत तक पहुँच पाए।
जबकि लियोन वारस ने बाजारों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया और सामान्य संतुलनावस्था का सिद्धांत प्रतिपादित करने में सफल रहे। मार्शल द्वारा किए गए गरीबी के कारणों के अध्ययन को भी आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि वे अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की कोई सिफारिश नहीं करते। अर्थशास्त्र को स्वतंत्र संस्थागत आधार देने के लिए उनकी प्रशंसा तो की जाती है, पर साथ ही यह भी कहा जाता है कि दर्शन, नैतिकता और सामाजिक सरोकारों से आर्थिक विज्ञान को अलग करने के परिणाम थॉमस कार्लाइल की भाषा में उसे उत्तरोत्तर एक मनहूस विज्ञान बनाने की तरफ ले गए। महान अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल की मृत्यु 13 जुलाई 1924 को हुई। धन्यवाद।